नवासे अप्पा। अरे बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई हो। सच मैं भी अकेले बैठी रहती हूँ यहाँ पर, तन्हाई से घबरा जाती हूँ। दादी जान, जब भी आपका दिल घबराया करे आप मुझे कॉल कर लिया करें ना, मैं आ जाया करूँगी। और आप तो हमारे घर आती ही नहीं है, आपको पता है हमारे घर में तो ना फुल टाइम हल्ला गुल्ला लगा रहता है। और वो हमजा नुमा भी, वो अभी हमारी तरफ ही तो आए हैं। मैंने ही तो भेजा है उनको। अच्छा। देखो अभी हम लोग नए आए हैं, दोस्त उनके कोई बने नहीं यहाँ, वो बेचारे भी घर में इतने बोर होते रहते हैं। बिल्कुल। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, दादी अमानुल्लाह कहाँ है? बेटा मार्केट तक गया है, आता होगा। उसे ये अपनी शर्ट इस्त्री करवानी थी। इतना सुस्त और काहिल आदमी है ना ये, उससे नहीं होता कि कभी मेरे कपड़े इस्त्री करके ऊपर रख दे। अरे बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, अभी आ जाएगा, कर देगा इस्त्री तुम्हारे कपड़े। दादी जान मैं इस्त्री कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करेंगी? इसमें जहमत की क्या बात हुई, मैं कर लेती हूँ, आप मुझे दे। अरे कह रही है तो दे दो बेटा। बेटा स्टैंड उस तरफ है। ओके दादी। दादी हेलो शाहब जी, टाटी कॉफी। आई ट्रे में ले आते ना शाहब जी, चोकलो ना गर्म रहे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इधर उधर जल्दी जल्दी देखो, बॉल किधर है? सुनिए आपने हमारी बॉल देखी है? हैं? हेलो, आपसे बात कर रही हूं मैं। बॉल देखी हमारी? रिप, ये सामने पड़ी है बॉल। इतनी देर से हम लोग बॉल ढूंढ रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं और आप जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जैसे एक बात बताऊं, इंसान को ना इतना भी बेखबर नहीं होना चाहिए कि सामने पड़ी हुई चीज नजर ना आए। अरे शुक्र करो कि मैं खामोश हूं, वरना तुमने जो ये हरकत की ना बहुत ही घटिया है। ऐसा क्या किया है मैंने? तुम्हारी ये गंदी बॉल मेरी कॉफी के अंदर थी। तो अगर बॉल की आंखें होती तो वो कभी भी आपकी गर्म और बदमजा कॉफी में जाके गिर कर ना खुद को अजियत ना देती। और वैसे भी एक काम करें, आप ना हमें एक आंखों वाली बॉल ला दें, हाँ, ताकि आपको शिकायत का मौका ही ना मिले। क्यों? कितनी कोई बदतमीज किस्म की लड़की हो तुम, बजाय इसके कि अपनी गलती के ऊपर तुम शर्मिंदा हो, उल्टा मुझे ही लेक्चर दे रही हो। अगर मेरी गलती होगी तो मैं शर्मिंदा भी हो जाऊंगी।